हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एड विल पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 31 मैथ्स क्लास 7 इंग्लिश मीडियम। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आज की इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। और देखिए बहुत ही डिजाइनदार और सुंदर वर्कशीट है, तो चलिए ट्राई करते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड्स एंड एंगल, ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करना है यानी कैटेगरी में डिवाइड करना है उसके साइड्स और एंगल के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले कि आर यू रेडी? यस, चलिए मैं तो रेडी हूं। द सम ऑफ द ट्रायंगल, द सम ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के एंगल का टोटल कितना होता है? एक ट्रायंगल बनाइए, इसके तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? इंटीरियर एंगल का टोटल इज 180 डिग्री। नाउ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एंगल बन रहा है तो ये एंगल एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ये एंगल इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कोई भी ट्रायंगल आप बना लीजिए और बाहर ये एंगल बन रहा है, अंदर के जो दूर के जो होते हैं यानी उनके टोटल के बराबर होता है। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? सम ऑफ रिमोट, रिमोट यानी कि दूर, इंटीरियर एंगल्स, और रिमोट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो अंदर के दो दूर के होते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल पास हो गया ना, एडजेसेंट हो गया, इसको छोड़ के। नाउ कंप्लीट द टेबल बिलो शोन, इसको कंप्लीट करना है। फॉर एवरी ट्रायंगल क्लासिफाई बाय साइड्स से क्लासिफाई करना है, और जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल्स वगैरह, तो बाय साइड्स बाय एंगल। साइड के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं, स्केलन जिसके तीनों साइड इक्वल नहीं होती है, आइसोसेलेस जिसके दो साइड इक्वल होती है, देखिए ये दो साइड इक्वल है, इसके कोई साइड इक्वल नहीं है, और इक्विलेटर जिसके तीनों साइड इक्वल होती है। तो ये साइड के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के डिवीजन है। अब हम एंगल के अकॉर्डिंग देखते हैं, एंगल के अकॉर्डिंग क्या है? बाय एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या स्केलन एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है? हाँ हो सकता है। ठीक है, आइसोसेलेस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आइसोसेलेस हो सकता है या नहीं हो सकता? चलिए देखते हैं, जिसमें दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हाँ जी हो सकता है, क्योंकि दो साइड इक्वल भी होंगी, ये दो साइड इक्वल भी हो सकती हैं और ये दो एंगल बराबर भी हो सकते हैं, हो सकता है ना? तो यस, ये हो सकता है। तो आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो आप इसको यस लिख सकते हो, यस आप इस तरह से बना लीजिए, जैसे ट्राइंगल हमने बना लिया यहाँ पे आइसोसेलेस के लिए, और ये साइड इसके इक्वल है और ये दोनों साइड बराबर है। तो मान लीजिए अगर ये 70 डिग्री है तो बचता कितना 110, तो बाकी सारे ये दोनों एंगल होंगे इक्वल इक्वल होंगे, तो हो सकता है यस। और इक्विलेटर तो ऑब्वियस हो सकता है कि तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों एंगल भी 60-60 डिग्री के आते हैं। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है? हाँ जी, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो सकता है, देखिए बिल्कुल हो सकता है कि ये अगर 90 और ये 45 और 45 हो गए एंगल के बेस पे, तो यस ये भी हो सकता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकते ना, और ये तीनों साइड इक्वल पॉसिबल नहीं है ना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज क्या होता है? एक एंगल 90 से ऊपर हो, तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये देखिए आप ऐसा, ये दोनों साइड इक्वल हो गई और ये जितना भी एंगल है ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो यस हो सकता है। बट इक्विलेटर इस कंडीशन में भी नहीं हो सकता, इक्विलेटर ट्रायंगल एंगल के बेस पे ओनली एक्यूट एंगल पे ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो चलिए अब गेम टाइम की बारी है, तो फाइंड द मिसिंग एंगल ईच ऑफ द ट्रायंगल, आपको ट्रायंगल्स नजर आ रहे होंगे और मिसिंग एंगल्स को फाइंड करना है, एंड पुट द ट्रायंगल नंबर, ट्रायंगल नंबर करेक्ट एरो में रखना है। आप ये देखिए एरो आपको दोनों तरफ नजर आ रहा है, एक इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो ये पहचानना है कि ये 115 डिग्री किसका है, इसका है कि इसका है, 110 110 ऊपर वाले का है नीचे वाले का है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, हम ये देख रहे हैं ये x है, एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल इन दोनों के टोटल के इक्वल है, x इक्वल टू होगा 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, तो x कितना आ गया 90 डिग्री, तो मींस कि ये जो 90 डिग्री दिया हुआ ये एंगल ये फिगर वन के लिए है, ठीक है हो गया। तो ये वाला इस तरफ होगा, हम रेड दिखा देते हैं। नाउ नेक्स्ट फिगर देखते हैं, फिगर टू, फिगर टू के लिए कौन सा होगा, 115 होगा कि 65 होगा, चेक करते हैं। अब हम जानते हैं सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, तो हमें
ये निकालना है, हम जानते हैं x प्लस 55 प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, तो x प्लस कितना हो गया ये 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 115। अब इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 1 गया 6, 65 डिग्री आ गया। आप ये बताइए 65 डिग्री ये है ना, यानी ये वाला एरो है या ये नंबर 2 फिगर के लिए है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि ये एंगल आपको निकालना है, ये फिर से एक्सटीरियर है, इन दोनों के टोटल के इक्वल होगा, तो x इक्वल टू होगा 160 प्लस 50 डिग्री, यानी x इक्वल टू आ गया 110, और 110 कहां पे है, ये है, तो ये थर्ड फिगर के लिए है, ठीक है। नाउ अब 115 बचता है और 70 बचता है, अब वो फोर्थ फिगर, एक फिगर बची है, अब हमें बताना है कौन सा इसका आंसर होगा, तो x की वैल्यू बतानी है, ये 90 डिग्री होगा ना बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 90 प्लस 20 इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सम ऑफ द एंगल, तीनों एंगल के टोटल 180 डिग्री होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो x प्लस कितना हो गया 110 इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 110, तो x इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। और वैसे भी ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो ये वाला ऑप्शन तो कहीं भी नहीं आया, तो इसको हटा दीजिए, छोड़ दीजिए, 70 जो है किसका होगा, फोर्थ फिगर का आंसर होगा। तो इस तरह से हमारे चारों फिगर कवर हो चुके हैं। नाउ विंडो डिजाइन ऑफ रूम, एक रूम का विंडो डिजाइन आपको दे रखा है, ये क्या निकालना है बताइए, इसमें फाइंड द मेजर ऑफ मिसिंग एंगल, मिसिंग एंगल निकालना है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होंगी, बराबर होंगी, मेजर होंगी, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, अगर मैं एक को एक्स लेती हूँ तो दूसरा भी एक्स होगा, तो एक्स प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 होगा ना, सम ऑफ द एंगल, ये हो गया 2x इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो 2x इक्वल टू 150 डिग्री, x की वैल्यू कितनी आ गई 150 बाय 2, तो 75 आ जाएगा ना, देखो 2 × 14 2 × 7 = 14 और एक इसको कैरी किया 25 का, तो यानी ये x और x एंगल्स कितने आ गए 75 डिग्री 75 डिग्री, दोनों ही एंगल इक्वल आएंगे। अब ये पूछ रहा है नेम द ट्रायंगल, अब तीनों एंगल एक्यूट है, देखिए ये भी 75 है 30 है 75 75 30, तीनों 90 से कम है ना, 90 से कम है, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या है, हमें ट्रायंगल का नाम बताना है, तो ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आप ट्रायंगल का नाम लिखिएगा ना। अब ये फिर से मिसिंग निकालने हैं, आप ये बताइए कि ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, और इसको अगर मैं एक्स मान लू तो ये और ये दोनों सेम होंगे बिल्कुल ही, तो एक्स कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120 हो गया ना, जोड़ देंगे तो इधर ले आएंगे 120 माइनस, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, वैसे भी टोटल 90 होना चाहिए और ये 60 आ गया है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री आ चुकी है, तो 60 ये भी होगा। तो पूछा क्या है, मिसिंग एंगल के नाम पूछे हैं, बताइए मिसिंग एंगल के नाम कितने होंगे, 60 डिग्री मिसिंग एंगल, दोनों एक जैसे हैं तो आप लिख देंगे मिसिंग एंगल का नाम है 60 डिग्री, किसी भी एक फिगर को कर लीजिए आप। और ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बेटा, ये वाला ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसका नाम लिखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छी वीडियो थी आज की और अच्छी वर्कशीट थी, मतलब और हमारी वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको पूरा समझ में आ गया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि ऑब्ट्यूज एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैक्सिमम कितने एंगल 90 से ऊपर हो सकते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।